नमस्कार, आप देख रहे हैं चैनल न्यूज़। मैं नैन्सी बजाज। देखते हैं आज की 20 ताज़ा खबरें। आखिरकार बिक गई सरकार की एयर इंडिया। 68 साल बाद फिर से टाटा की हुई एयर इंडिया। स्पाइसजेट के अजय सिंह ने टाटा से कम लगाई बोली। एमपी के भिंड में बड़ा हादसा, बस और कंटेनर की टक्कर में 7 लोगों की मौत, 15 घायल। ग्वालियर से बरेली जा रही थी बस। पंजाब कांग्रेस कला, थोड़ी देर में दिल्ली रवाना होंगे सीएम चन्नी। सिद्धू के इस्तीफे के बाद वरिष्ठ नेताओं से पहली मीटिंग, सोनिया राहुल से मुलाकात संभव। केरल का 54 साल का ठग गिरफ्तार, नकली आइटम रखकर बनाया एंटिक म्यूजियम, लोगों से ठगे 10 करोड़ रुपए। रहन सहन ऐसा कि देखने वाला साउथ का एक्टर समझ ले। चीन की नई हरकत, भारत ने कहा एलएसी पर सैनिक और हथियारों का जमावारा कर रहा है ड्रैगन, हम अपनी हिफाजत के लिए पूरी तरह तैयार। मनीष हत्याकांड में गोरखपुर पुलिस की कार गुजारी, योगी के कहने पर 6 पुलिसकर्मी सस्पेंड, लेकिन एफआईआर सिर्फ 3 पर, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी बर्बरता के सबूत, गिरफ्तारी क्यों नहीं। पाकिस्तान में आतंक का राज, तालिबान के हमले में पाक फोर्स के कैप्टन की मौत, बलूचिस्तान में पाकिस्तान जिंदाबाद की रिंगटोन रखना जरूरी। नवजोत सिद्धू के सलाहकार के अमरिंदर सिंह को चुनौती, जिस मर्जी से सीट में चुनाव लड़ने आ जाओ, जमानत जब्त करा देंगे। बली का बकरा नहीं, खुद मैदान में आ गए कैप्टन। होली सिटी में सिद्धू के घर छाई खामोशी, 10 दिनों में नवजोत कौर और रबिया अमृतसर में भी समय बिता रही है। सियासत और राजनीतिक दाव पेच पटियाला में खेले जा रहे हैं। एंटेलिया विस्फोटक केस, एनआई को शक, मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह भारत छोड़कर भागे, यूरोप के किसी देश में छिपने की आशंका। राजस्थान के सूरतगढ़ में पाक सीमा पर हलचल, भावलपुर में मिसाइल हमले वाले ड्रोन की ट्रेनिंग दे रहा है चीन, जैश ए मोहम्मद का गढ़ है भावलपुर, कई आतंकी हमलों की साजिश यहीं से। सहारनपुर में अंतर्राज्यीय बाइक चोर गिरोह का खुलासा, 2 गिरफ्तार। सहारनपुर के थाना ननोता पुलिस ने अंतर्राज्यीय बाइक चोर गिरोह का खुलासा किया है, वाहन चोर गिरोह के 2 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से चोरी की यूपी और हरियाणा नंबर की 11 बाइक बरामद की है। कानपुर में मनीष के परिवार से मिलेगी प्रियंका गांधी, कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी आज शाम कानपुर में मनीष गुप्ता के परिवार से मिलने पहुंच सकती हैं। एक दिन पहले बुधवार को प्रियंका गांधी ने मनीष की पत्नी मीनाक्षी से फोन पर बात की थी। निलंबित डीएसपी अमरेश सिंह बघेल बाराबंकी टोल प्लाजा से हिरासत में लिया गए हैं। घोषी के बसपा शासन अतुल रॉय को रेप के मामले में क्लीन चिट देने वाले निलंबित डिप्टी एएसपी अमरेश सिंह के बघेल पुलिस ने हिरासत में लिया है। अमरेश को क्राइम ब्रांच की टीम वाराणसी लेकर गई है। गोंडा में मां और 2 बेटियों की मौत, गोंडा में महिला 26 साल समेत 2 बेटियों की मौत हो गई है। मौत के कारण अभी स्पष्ट नहीं है कि महिला के पास से एक सुसाइड नोट भी मिला है। महिला की बेटी 4 साल की, दूसरी बेटी 1 साल की थी। फ्री में शराब नहीं तो मार डाला, गोरखपुर में मनीष गुप्ता के बाद मॉडल शॉप कर्मचारी को पीट पीट कर हत्या, डीएवी कॉलेज के पूर्व अध्यक्ष की भाई हिरासत में, 15 पर केस। गाजियाबाद में बिल्डर और 159 फ्लैट मालिकों पर होगी एफआईआर। भारत पर सिटी अपार्टमेंट के बिल्डर ने रजिस्टर्ड कराए बिना लोगों को दे दिए फ्लैट, सरकार को लगा 6 करोड़ रुपए का चूना। गाजियाबाद लाखों के सिगरेट चुराने वाले 8 गिरफ्तार, पहले रेकी फिर गोदाम की दीवार काटकर करते थे चोरी, 5 लाख सिगरेट और 7.5 लाख रुपए का कैश बरामद। मधाना का पहला टेस्ट शतक, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पिंक बॉल टेस्ट में मधाना ने बनाया इतिहास, 216 गेंदों पर 127 रन की बारी खेली। एक और स्टार किड बॉलीवुड में एंट्री, सैफ अली खान ने किया खुलासा, 20 साल के बेटे इब्राहिम फिल्म में रॉकी और रानी की प्रेम कहानी में कर रहे हैं करण जौहर को असिस्ट। ये थी अब तक की 20 खबरें। ऐसी अपडेट्स के लिए जुड़े रहें हमारे साथ। हमारे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।